हुण असीं जा रहे हाँ ननकाणा साहिब दे होर गुरु घरां दे दर्शन करन वास्ते। देखो हुण असीं पहुँच चुके हैं गुरद्वारा तंबू साहिब, जिथे कि गुरु नानक देव पातशाह ने डेरे लगाए सीगे। इस गुरु घर दे दर्शन तुसीं कर सकते हो। सारी जिहड़ियां सिख संगतां जा रही हैं, पहलां सब तो आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करांगे। तो देख सकते हो तुसीं जिहड़ियां संगतां हैं इस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करन वास्ते अंदर पहुँच चुकियां। ये जिहड़ी इमारत है ये अलग तो बनाई गई है, तो जिस जगह पर गुरु नानक पातशाह ने डेरे लगाए सीगे वह अलग तो है, उहदे भी दर्शन असीं करावांगे। पर हुण तुसीं दर्शन कर सकते हो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, ते संगतां इस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नतमस्तक हुंदियां होईयां उस तो बाद फिर दर्शन करन जाणगियां। गुरुद्वारा साहिब का इतिहास है जिहड़ा उहदे बारे आपां जानकारी लैंदे हैं, तुसीं दर्शन कर सकते हो उस अस्थान दे जिथे कि गुरु नानक देव जी नूं जदों उहनां दे पिता जी ने व्यापार करन वास्ते भेजिया ते उह उहनां पैसिआं दा उहनां ने लंगर लगा दिता ते बाद विच आ के इस अस्थान ते आ के विराजमान हो गए। ते उही अस्थान है, देखो तुसीं बई पूरा इस जिहड़ी इत्थों दी सरकार है उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की इन चीज़ों के नाल। तो असी अपनी सरकार को भी बेनती करते हैं कि जोड़े इतिहासिक स्थान है उन्होंने एज इट इज उदा ही रखना चाहिए जिस तरह कि पहला सके, क्योंकि नवीनीकरण के ना जो इतिहास है वह खत्म हों जा रहा। तुम दर्शन करो जी, गुरु नानक साहिब ने जिथे व्यापार करने तो बाद आके इतने डेरे ला रहे थे, तंबू ला लिया, तो इस गुरु घर का नाम भी जोड़ा है वह तंबू साहिब रख्या गया है। तुसी देख सकते हो इस जगह पर चारों पासे मतलब के पेड़ पौधे पूरा जंगल की तरह बनया होया, तो ये तंबू की तरह, हाँ जोड़े पेड़ है वो वाकई तंबू की तरह मतलब बड़ी संघनी छां है। तुसी मूवी दे विच देख सकते हो तस्वीर इस स्थान दियाँ, जिन्हें भी पेड़ इत्थे लगे हुए है मतलब बड़ी घनी छां इन्हां दी, देखो तंबू की तरह मतलब एन पूरी छां है। आ इस स्थान दे तुसी दर्शन करो, उस पेड़ दे दर्शन करो जिथे गुरु नानक देव पातशाह जी ने इथे हुण तुसी दर्शन किते है उस स्थान दे जिथे गुरु नानक पातशाह जी ने अपने डेरे लाए सीगे। देखो तुसी चारों पासे हले भी मतलब उसी तरह जड़े उही पेड़ खड़े है जड़े उस समय गुरु नानक पातशाह दे समय जड़े सीगे पेड़ आ गिर चुके है, उन्हां दे विचों द्वारा तो पेड़ है जड़े वो फिर द्वारा जम पे है। मतलब ये स्थान उस तरह ही ननकाणा साहब उसी तरह विराजमान है जिस तरह पहला सीगा गुरु साहब दे समय, तो ये इन्हां ने जड़ी निशानी है उसे तरह संभाल के रखी हुई है। और तुसी देख सकते हो कि पाकिस्तान दे विच भी जड़े बंदी सिंघां दी रिहाई दे पोस्टर लगे हुए ने, ते असी अपने हिंदुस्तान दे ते पंजाब दे जिहड़े लोग है उन्हां नूं अपील करदे आ भी देखो जागो, ते पाकिस्तान दे विच बंदी सिंघां दी रिहाई दे जिहड़े पोस्टर इस टाइम पोस्टर लगे हुए है जी, गुरद्वारा तंबू साहिब पाकिस्तान दर्शन कर सकते हो। गुरद्वारा तंबू साहिब दे नाल एक होर छोटी जी इमारत बनी है, उत्थे गुरु नानक पातशाह जी दी तस्वीर रखी हुई है एक थड़ा बना के, उदे भी दर्शन तुसी कर सकते हो। इत्थे भी संगतां जिहड़ियां पहुंचदियां हन। हुण असी पहुंच चुके हैं गुरद्वारा छेवीं पातशाही श्री हरगोबिंद साहिब। इस पवित्र स्थान ते छेवें पातशाह श्री हरगोबिंद साहिब जी कश्मीर तो वापस आते हुए विराजे सन। वण के जिस रुख के नाल उन्होंने
अपना घोड़ा बनिया सी ओ रुख अज भी इत्थे मौजूद है। फिर आप जी इत्थों दी पैदल चल के गुरु नानक देव जी महाराज दे जन्म स्थान ते दर्शन करन वास्ते उस स्थान ते पहुँचे सन ननकाणा साहिब। ते तुसी इस गुरु घर दे जिहड़े दर्शन कर सकते हो, तुसी देख सकते हो कि इस गुरु घर दी जिहड़ी इमारत है वो काफ़ी पुरातन है ते इस दे नाल जुड़िया जिहड़ा इतिहास है वो जिहड़ा दरख्त है वह भी इस गुरु घर दे विच उपर रख्या होया, उहदे दर्शन भी असीं तुहानूं करवावांगे। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰਸਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਾਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਚਾਰਦੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਬਰਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਢਲਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੰਡ ਦਾ ਉਹੀ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਦੀਆਂ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਰ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖੇਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਲਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
उस तरह पुरातन जमाने की जिस तरह की दिख सी उस तरह इसकी दिख है जी देखने मिल सकती है चाहे तुम चारों पासों नज़र घुमा के देख सकते हो। तुम देख सकते हो गुरद्वारा क्यारा साहिब तो आ जरा इन्होंने तालाब बनाया हुआ इतने ये जरा इस समय मतलब तालाब के रूप में दिख रहा है क्यारा जो जिथे गुरु नानक देव जी मझा चरा मझा चारे से गुरु नानक पातशाह तो जरा कहते हैं कि मझा ने जरा खेत जरा उजाड़ दिता सगा तो ये उ स्थान है तुम देख सकते थोड़े सामने है गुरद्वारा क्यारा साहिब तो उसी तरह यदि जी दिख है वो अज भी मौजूद है देख सकते हो उसी तरह पुरातन गुरु घर इतने बनया हो गुरुद्वारा क्यारा साहिब बड़ी खुशी हुई ये गुरु धाम जोड़े इन्हों के दर्शन करके क्योंकि ये गुरु धाम उस तरह अज भी पाकिस्तान के उस तरह पुरानी दिख लेके अपने खड़े हुए ने। हुण जिहड़ी संगत है वह जा रही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नतमस्तक होण वास्ते सामने ही एक इमारत है नवीं बनी हुई है उस दे विच जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है तुसीं देख सकते हो दर्शन कर सकते हो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे। भाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी इस धार्मिक स्थान का जिहड़ा की इतिहास है असीं जिहड़ी संगतां आईआं रोपड़ तों इस स्थान के जिहड़े इतिहास है उहदे बारे जानकारी असीं लैणा चाहुंदे हां। ये स्थान गुरद्वारा क्यारा साहब नाम है जाना जाता है जिथे महाराज के पशु आ गए थे इस स्थान पर इतों के किसान भीर ने बड़ा रौला पाया सगों लांभा दिता पिता गुरदेव दास जी वाहिगुरू जी आके तो लांभा मिला राय बलाज भट्टी कि पटवारी के बाग में सारी फसल उजाड़ती है सात सही लोग इतने बड़े इकट्ठे होते हैं सगों राय बाजार भी देखने आता है किसान भी बड़ा रौला पाता सी कि मेरी मेहनत पानी फिर गया कोई बूटा नहीं बचिया सारा खेत उजड़ गया सारी पैली वेली हो गई है ऐसे हाल की देखते हैं सब को पहला ज़्यादा फसल है जो किसान भी कहता सारा खेत उजड़ गया वो महाराज जी आपाल कृपा नाल आत्म शक्ति नाल रूहानी ताकत नाल फिर हरा भरा हो गया ऐ कौतक देख के वो किसान भी पहचान गया कि महाराज जाने जान हैं परमात्मा रूप हैं ये कौन बात नहीं है सात संघ जी उस बाद फिर गुरुद्वारा क्यारा साहब पहुँच गया है। गुरुद्वारा क्यारा साहिब तो बाद हुण असीं पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पट्टी साहिब ये वह पवित्र स्थान है जिथे गुरु नानक देव जी बचपन दे विच पंडित गोपाल दास पंडित ब्रिजला ते मौलवी कुतबुद्दीन कोल हिंदी संस्कृत फारसी पढ़न लई आए सन। इसे ही स्थान ते श्री गुरु नानक साहिब जी ने पट्टी नामी बाणी का उच्चारण जिहड़ा उह कीता सीगा तुसीं दर्शन कर सकते हो उस गुरु घर दे जिथे गुरु नानक पातशाह जी पढ़ते रहे है ते नाल तुसीं देख सकते हो गुरु घर दे नाल फिर पुरानी जिहड़ी इमारत है उस समय की उस तरह अपने उन्हें हालातों के विच ही खड़ी हुई है। इस इमारत के भी तुसीं दर्शन कर सकते हो उस समय किस तरह का जिहड़ा दृश्य रहा होगा तुसीं देख सकते हो इस इमारत नूं कि किन्ना सुकून है तो किन्नी जिहड़ी मतलब दिल नूं खिंचण वालियां जिहड़ियां तस्वीरां है मतलब बड़ा सुकून मिलता इन्हां इमारतां नूं देख के क्योंकि साडे गुरु घर है जिहड़े आ ओ कमरा है जिथे गुरु नानक पातशाह जी जिहड़े पढ़दे रहे है इस कमरे दे विच इहदे दर्शन भी तुसीं अंदरों कर सकदे है। ये उही कमरा है इस दे विच जिहड़ी बहुत ही खूबसूरत जिहड़ी नकाशी है वो की गई है तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो। गुरु नानक देव जी दियां वख वख जिहड़ियां तस्वीरां है भाई बाला ते मरदाना जी दे नाल ते गुरु नानक देव जी दी कलियां दी भी तस्वीर है ते जिथे सप्प ने जिहड़ी छां कीती सीगी मतलब काफ़ी तस्वीरां जिहड़ियां गुरु नानक पातशाह जी दियां जिहड़ियां इस इमारत दे विच बणियां होईयां यही वो इमारत है जिथे गुरु नानक पातशाह जी पढ़न आउंदे सीगे ते तुसीं देख सकते हो इस समय यह इमारत भी उस तरह अपने पुराने हालातों के बहुत वधिया हालात के है तो हुण असीं जा रहे सी बाहर तो ये इस गुरुद्वारा साहिब के नाल जिहड़ा गुरद्वारा पट्टी साहिब एक होर गुरु घर है इत्थे भी गुरु नानक पातशाह जी जिहड़े खेलते रहे है
तुसी नाल देख सकते हो उसी तरह का एक फिर तालाब बनया हुआ जिथे जिथे गुरु नानक देव जी नाल जड़े घटनावां वापरियां वो जगह इन्होंने उसी तरह जड़ियां संभाल के रखी हुई तो तुसी दर्शन कर सकते हो इस गुरु घर के भी अंदरों ते संगतां बैठिया हुई गुरु के दर्शन करने वास्ते तो एक बच्ची है जी वो अपना पाठ पढ़ रही है तो इस इमारत की जी देख है वह भी बहुत खूबसूरत है बहुत एरिए दे विच ये भी गुरु घर की जी काफ़ी ज़्यादा एरिया इस गुरु घर का है तो सब तो वड्डी गल है कि जिहड़े पाकिस्तान दे विच जिन्ने भी गुरु घर है वह सारे ही गुरु नानक पातशाह जी के नाम से है तो सारी जमीन है जी वो सारी गुरु नानक पातशाह जी के नाम से अज भी बोलती है ये इन्हों ने एक श्राइन बोर्ड बनया होया वो श्राइन बोर्ड इसकी देख रेख करता है जिहड़े भी गुरु नानक पातशाह जी की जिहड़ी जगह पर दुकाना या मकान बना के बैठे है वह अज भी उन्हां तों किराया जिहड़ा लैंदे है तो वह किराया जिहड़ा गुरु घर के वास्ते इस्तेमाल किया जाता उस पैसे का तो गुरु नानक देव जी के दे नाम से अज भी पाकिस्तान के हज़ार एकड़ जी जमीन है असी हूँ अज सा लास्ट दिन है तो संगत बाज़ार शॉपिंग करने वास्ते निकलियाँ तुसी देख सकते हो बजुर्ग पढ़ाने वास्ते बेच दे नहीं नहीं फैंसी ने अच्छा फैंसी घर रखने शौक वास्ते ठीक है दे सकते हैं सर अच्छा शो पीस कितने का देंगे एक ये 10,000 8,000 अच्छा शौक वाले ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹੋਣੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ